और झूठे मसीह और झूठे मुद्दई नबूवत के फितने हैं, ना जाने किस किस नाम पर कितने जन्म लेते हैं। और ये सिर्फ हमारे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया फितनों की तरफ और मुनकरात की तरफ और फहाशी की तरफ चलकर नहीं दौड़ कर जा रही। बड़े बड़े इस्लामी ममालिक जो कल तक इस्लाम का और दीन का और तौहीद और हया का मरकज समझे जाते थे, तब्दीली और इस्लाहात के नाम पर वहाँ मुनकरात और फहाशी का एक ना थमने वाला तूफान बरपा हो रहा। ऐसे हालात में हमारी और आपकी और कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने इस्लाम और अपने ईमान को बचाने के लिए अपने आप को और अपनी नस्लों को दीन पर और हिदायत पर और सदाकत और अमानत पर, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार पर, सिराते मुस्तकीम पर बाकी रखने के लिए हर तरह की हम मेहनत करें, कोशिश करें, फिक्रें करें, उसके लिए तदबीरें और मंसूबे बनाएं। और हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी कौम के बच्चे बच्चे दीनी और असरी उलूम से आरास्ता हो। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए और उनको दीनी और असरी उलूम से आरास्ता करने के लिए जान और माल और वक्त और सलाहियत जिस चीज की भी कुर्बानी देनी पड़े हमें उससे गुरेज नहीं करनी चाहिए। आज जो हमारे अकाबरीन बार बार ये कहते हैं कि पेट पर पत्थर बांधो लेकिन बच्चों को आला तालीम से महरूम ना करो, ये ऐसे नहीं कहते। ये हालात के नज़ाकत को और मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात को पेश नज़र रख कर कह रहे हैं। इसलिए इस उन्वान से प्रोग्राम का मुनअक़िद करना ये गोया बेदारी का और एक जिम्मेदारी का सबूत देना है और हमें इस ताल्लुक से जुबान और कलम और खास तौर से मस्जिदों में मस्जिद के मिंबरों मेहराब को
इनका सहारा लेकर के हमें बाकायदा एक तहरीक चलानी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, ताकि हमारी कौम का कोई बच्चा तालीम से, तरबियत से महरूम ना होने पाए। और इस ताल्लुक से सबसे पहले वालिदैन को जागरूक करना चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से हर किस गफलत का मुजाहरा न करें। वो कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चों को आला तालीम दे, और वो उसको अपनी जिम्मेदारी और अपनी मिल्ली और दीनी जिम्मेदारी समझ करके इस काम को अंजाम दे। और जब वालिदैन अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए तालीमी इदारों के हवाले कर दें, मदरसों में और स्कूलों में और कॉलेजों के अंदर उनका एडमिशन करा दें, उनका दाखिला दिला दें, तो अब तालीमी इदारों के जिम्मेदारों और ख़ास तौर से असातिज़ा और टीचर्स जिनसे तलबा बराह रास्त इस्तिफादा करते हैं, उनको चाहिए कि वो उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वो तमाम उसूल और जवाबित को अपनाएं जो कायनात के सबसे बड़े उस्ताद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलबा यानी सहाबा की तालीम और तरबियत के लिए जो उसूल और जो कानून और जवाबित अपनाए। तभी हमें इस रास्ते के अंदर 100% कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से आपकी ज़िंदगी का हम मुताला करें, तो जो तरीक़ा आपने सहाबा की तालीम और उनकी तरबियत के लिए अपनाया है, आज एजुकेशन के जो माहिरीन हैं वो इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि वाकई तालीम और तरबियत का ये तरीक़ा जितना मुफीद है तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए, इससे ज़्यादा मुफीद और कोई उसूल और ज़वाबित नहीं हो सकता। जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और तरबियत का एक तरीका यह था कि हुज़ूर इस सिलसिले में हमेशा तदरीज का तरीका अपनाते। तदरीज का मतलब है कि किसी अमल को थोड़ा थोड़ा करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब सहाबा दीन सीखने के लिए आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से उनको पूरा दीन नहीं सिखलाते थे, बल्कि अल अहम फल अहम के उसूल पर अमल करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा थोड़ा दीन उनको सिखलाया करते थे। तालीम के अंदर भी यह तरीका सबसे ज्यादा मुफीद है और तरबियत के अंदर भी यह तरीका सबसे ज्यादा मुफीद है। किसी बच्चे को अगर हम एकदम से ABCD से लेकर के साइंस और बड़े बड़े मजामीन पढ़ा दें उनको, तो उसको ABCD भी नहीं आएगा। अरबों का मकूला है तलबुल कुल फौतुल कुल, कि जो शख्स एकदम से तमाम चीजों को हासिल करना चाहता है वो सब कुछ खो देता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का यह तरीका था कि जब आप सहाबा को दीन सिखलाते थे, उनकी तालीम और तरबियत करते थे, तो हुजूर तदरीज का और इत्तेदाल का रास्ता अपनाते, थोड़ा थोड़ा करके सिखलाते। रिवायात के अंदर आता है हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम चंद नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें एकदम से पूरा दीन नहीं सिखलाया, सबसे पहले हमें ईमान की हकीकत समझाई, और जब तक हमारे दिल के अंदर ईमान की हकीकत बैठ नहीं गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबक आगे नहीं बढ़ाया। जब हमें ईमान की हकीकत समझ में आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमें दूसरे मरहले में कुरान की चंद आयतों की तालीम दी। हुजूर का यह तरीका था कि जब सहाबा को कुरान की तालीम देते थे तो सबसे पहले 10 आयतें उनको सिखलाते, जब वो 10 आयतें उनको याद हो जाती, उनके मानी और उनके मतालिब और उनके मफहूम को समझ जाते, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगली 10 आयतें उन्हें सिखाते।
ये तदरीज का रास्ता तालीम और तरबियत के अंदर, तरबियत के अंदर भी यही तरीका सबसे ज्यादा हो। एकदम से अगर हम किसी बच्चे पर, किसी बच्चे की तरबियत पर मिल जाए और हम उसको ये समझे कि बस आज ही हम इसको जुनैद बगदादी बना दें, हरगिज नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी आपने तालीम और तरबियत के अंदर तदरीज का रास्ता इख्तियार किया और अपने तलबा को किसी कौम का अगर हाकिम और किसी कौम का उस्ताज और काजी बनाकर भेजा तो उनको भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही नसीहत फरमाई। रिवायत के अंदर आता है हजरत मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन का हाकिम और वहाँ का काजी बनाकर भेजा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ उनको बहुत सारी नसीहतें फरमाई थी उनको ये भी फरमाया कि ऐ मुआज़ तुम एक ऐसी कौम के पास काजी बनकर जा रहे हो जो अहले किताब है, लिहाजा उनके पास जा करके सबसे पहले तुम उनको कलमे की दावत देना। अगर वो उसको कबूल कर लें, तौहीद के कलमे को पढ़ लें और उसको मान लें और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर उनको दूसरे मरहले के अंदर पांच वक्त की नमाज की तालीम दें, उनको पांच टाइम की नमाज सिखलाना हो। जब वो नमाजों को कबूल कर लें और उसको सीख लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसका एहतमाम शुरू कर दें, तीसरे मरहले के अंदर उनको ये बताना कि अल्लाह ने मुसलमानों के माल में इतनी मकदार जक़ात की फर्ज फरमाई, और इस बात की वजाहत कर देना कि ये टैक्स नहीं है, ये जिजिया नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों से लिया जाएगा और मुसलमानों ही के गुरबा और मसाकीन पर तकसीम कर दिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की इसी तरबियत का और इसी तालीम के इस तरीके का नतीजा ये था कि आपके जो सहाबा हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा ने जो अपने बाद वालों की तालीम और तरबियत फरमाई है उसमें खास तौर से हुजूर के इस तरीके का लिहाज रखा है कि वो अपने मुखातब को एकदम से पूरा दीन नहीं सिखलाते थे, बल्कि उसी उसूल पर अल अहम फल अहम। बुखारी शरीफ की रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु का तस्करा करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु जब अपने तलबा को सबक पढ़ाते थे तो इसका बहुत लिहाज करते थे। उनके एक शागिर्द हैं शकीक बिन वायल रजी अल्लाह अन्हु, वो खुद बयान करते हैं कि हम चंद तलबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर बैठ करके उनके निकलने का इंतजार करते रहते थे और हम अपने इस इंतजार की इत्तिला भी अंदर पहुंचा देते थे। उसके बावजूद भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु का तरीका यह था कि कभी आप बाहर आते और हमें तालीम देते और कभी कभी ये जानने के बावजूद कि तलबा दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं आप बाहर नहीं आते, बल्कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु बाहर आकर के उन्होंने तलबा को मुखातब करके फरमाया कि मुझे तुम्हारे इंतजार की इत्तिला होती है, मुझे मालूम होता है कि तुम लोग दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हो, उसके बावजूद भी मैं कभी कभी जानबूझ के नहीं निकलता कि कहीं तुम्हारे अंदर उकताहट न पैदा हो जाए रोज रोज की तालीम, इसलिए वक्फा कर दिया करते थे। तो असातिज़ा को खास तौर से वो उसूल और वो ज़वाबित अपनानी चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलबा और अपने सहाबा के तालीम और तरबियत के लिए जो तरीका अपनाया, ये सबसे ज्यादा मुफीद तरीका होगा, जिसमें सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तदरीज का तरीका अपनाया, थोड़ा थोड़ा करके सिखाना। इसमें तलबा को भी आसानी होती है और असातिज़ा की मेहनत भी रायगा नहीं जाती। और दूसरा तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और तरबियत का ये था कि आप जब अपने मुखातब को और अपने तलबा को कोई चीज सिखाते थे, कोई सबक पढ़ाते थे, तो इस बात का भरपूर लिहाज करते थे कि आसान अंदाज के अंदर उनके सामने मसले को पेश किया जाए, वो तरीका अपनाया जाए जिससे सामने वाले के जहन और उसके दिमाग के अंदर बात बैठ जाए और आसानी के साथ वो बात को समझ जाए। जैसे आज हमारे असातिज़ा बच्चों को कोई अहम मसला और कोई अहम टॉपिक पर अगर कोई सबक हो और वो समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का सहारा लेते हैं, उस पर लिखते हैं, उस पर नक्शे बनाते हैं,
जिससे आसानी से तलबा समझ जाते हैं। ये असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर हम हुजूर की सीरत का जायजा लें, सैकड़ों रिवायतें ऐसी मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबा को और उसने सहाबा को दीन सिखाने के लिए मिट्टी पर और रेत पर और जमीन पर लकीरें खींचकर दायरा बनाकर नक्शे तैयार करके ऐसी इस तरीके पर तालीम दी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लंबी और सीधी लकीर खींची और उसके दाएं और बाएं कुछ लकीरें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खींचकर सहाबा से फरमाया, ये जो लंबी और सीधी लकीर है ये सिराते मुस्तकीम है, ये अल्लाह का रास्ता है, और इसके बाएं और दाएं जो लकीरें हैं ये गुमराही के रास्ते हैं, जिनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है। जब कोई बंदा सिराते मुस्तकीम से हट करके किसी और रास्ते पर आ जाता है तो शैतान उसको अपना रुकमा बनाता है। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को एक आयत की तफसीर समझाना चाहते थे, व इन हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक। इस आयत की तफसीर समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा लकीरें जमीन पर खींच करके, गोया आपने ब्लैक बोर्ड का सहारा लिया। रिवायत के अंदर आता है एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चौकोर लकीर ऊपर नीचे और दाएं बाएं एक दायरा बनाया और उसके बीच में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लकीर खींची और एक लकीर इतनी बड़ी कि वो उस दायरे से भी आगे निकल गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो दायरे के अंदर ये जो लकीर है ये इंसान है और ये जो चौकोर लकीर है जो उसको हर तरफ से घेर रही है ये इंसान की मौत है, जो हर तरफ से इंसान की जिंदगी को घेरे में लिए हुए, और जो लकीर उस घेरे से और उस दायरे से भी आगे निकल गई थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इंसान की तमन्ना और ये उसके अरमान है जो इसकी जिंदगी और मौत से भी आगे निकले हुए। तो तलबा को कोई भी अहम सबक सिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए सबसे ज्यादा आसान और उनके दिलो दिमाग के अंदर सबसे आसानी के साथ जो चीज जो तरीका उनके दिलो दिमाग के अंदर बैठाता है वो इसका सहारा लेना कि आदमी नक्शे बना करके और दायरा बना करके और लकीरें खींच करके और ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाए। इसी तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का एक तरीका जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा मुफीद साबित हुआ है और माहिरीन ने उसका एतराफ़ किया है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तलबा को दीन सिखाने के लिए बाज़ मरतबा सवाल का अंदाज अपनाते थे। हुजूर सवाल करते थे, सहाबा जवाब देते थे, और कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तलबा को सवाल करने पर उभारते थे, आमादा करते थे, तुम पूछते क्यों नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कहते। बड़ी मशहूर रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी और उसको हिलाया और पत्ते झड़ने लगे, सहाबा से पूछा कि तुमने पूछा क्यों नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। असल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताना चाहते थे कि नमाजों के जरिए से गुनाह माफ होते हैं। अब अगर ये सीधी सीधी बात सबके सामने बयान कर देते, तलबा के सामने बता देते, तब भी मसला उनको समझ में आ जाता, लेकिन हमेशा के लिए दिलो दिमाग के अंदर नक्श हो जाए इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका अपनाया कि दरख्त की एक टहनी पकड़ी और उसको हिलाए और पत्ते झड़ने लगे और सहाबा ही से कहा कि तुमने सवाल क्यों नहीं किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल के जरिए से बात को वाज़े, जिसको अंग्रेजी में शायद एग्जाम्पल कहते, मसला बहुत आसान होता था लेकिन फिर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मसले को बयान करने से पहले पहले एक मिसाल देते ताकि सामने जो हमारा जो मुखातब है, हमारे सामने जो तलबा है, उनका दिलो दिमाग पहले से बेदार हो जाए सही जवाब हासिल करने के लिए और उसको सीखने के लिए। रिवायात के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा तलबा से सवाल किया कि बताओ अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो आदमी उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या उसके उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा। साहबा ने कहा कुछ भी नहीं, 5-5 टाइम अगर हर दिन वो गुस्ल करे तो मैल नाम की कोई चीज नहीं रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही 5 नमाजों की मिसाल है।
कि जब आदमी पांचों नमाजों की पाबंदी के साथ उनका एहतमाम करता है तो उसके बदन से और उसके उसकी उसकी जिंदगी से गुनाह ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे पांच मरतबा नहाने से बदन से मैल खत्म हो जाता है। तो ये तरीका भी बहुत ज्यादा तलबा की तालीम और तरबियत के लिए बहुत मुफीद होता है कि हम सवाल का अंदाज अपनाएं। रिवायात के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से सवाल करते हैं, बताओ हकीकी मुसलमान कौन है? सहाबा जवाब देते अल्लाह व रसूल अलैहि। लेकिन यह है कि सवाल करने की वजह से तलबा का जहन बेदार हो जाता है और वो अपना जहन चलाते हैं कि किसी तरीके पर हमें सही जवाब मालूम हो जाए और हम अपने उस्ताद को सही जवाब दे सकें। जब वो उससे आजिज हो जाते हैं तो फिर अब सही जवाब का वो इंतजार करते हैं, उनके अंदर एक तलब होता है, एक शौक होता है कि हमें इस सवाल का सही जवाब मालूम होना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर टीचर और उनके उस्ताद तलबा के सामने सही जवाब पेश करें तो फौरन वो जवाब और वो सही चीजें उनके दिलों के अंदर बैठ जाती है और नक्श हो जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये तरीका हुजूर ने अपनाया कि सहाबा से सवाल किया हकीकी मुसलमान कौन है, उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल आलम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हकीकी मुसलमान वो है जिसकी जात से किसी मुसलमान को या किसी भी खल्क खुदा को कोई तकलीफ न पहुंचे, ईज़ा न पहुंचे। ऐसी बेशुमार रिवायतें, फरमाया कि बताओ सबसे ज्यादा बहादुर इंसान कौन है? सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा ताकतवर और पहलवान तो वो इंसान है जो अपने मुद्दे मुकाबले को कुश्ती के मुकाबले के अंदर पिछाड़ दे, वो सबसे बड़ा पहलवान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, जो कुदरत के बावजूद अपने मद्दे मुकाबिल को माफ कर दे, वो सबसे बड़ा पहलवान। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा ने जवाब दिया कि मुफलिस तो हम उसको समझते हैं जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास दिरहम दरानीर ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो बहुत सारी नेकियां कयामत के दिन लेकर हाजिर होगा लेकिन मुआमलात के अंदर, मुआशरत के अंदर, अखलाकियात के अंदर उसने बहुत सारी कमी पेशी की होगी, कोताही की होगी, उसने सिर्फ इबादात ही को दीन समझा होगा। उसकी जिंदगी के अंदर नमाजें तो बहुत होंगी, तहज्जुद बहुत होंगे, हज उम्र बहुत होंगे, लेकिन मुआमलात उसका अच्छा नहीं था, उसके अखलाक अच्छे नहीं, वो लोगों को धोखा देता था, किसी को गाली देता था, पड़ोसियों के हकूक की हक तलफी करता था, उनके साथ झगड़ता था, वो सारे के सारे आएंगे और उसकी नेकियां लेकर खत्म, उसकी नेकियां लेकर चले जाएंगे और सारे के सारे नेकियां खत्म हो जाएंगे और वो आदमी जहन्नम में चला जाए। ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस और सबसे बड़ा गरीब और फकीर इंसान होगा। एक रिवायत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा से सवाल किया बताओ सबसे ज्यादा काबिले रश्क ईमान किसका है? बड़ी अहम रिवायत है। सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल हम मलाइका का ईमान सबसे ज्यादा काबिले रश्क है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब गलत है, मलाइका तो हर वक्त अल्लाह के हुजूर में हाजिर रहते हैं, उनके ईमान उनका ईमान क्या ताज्जुब। किसी सहाबी ने फौरन दूसरा जवाब दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान सबसे ज्यादा काबिल रश्क है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जवाब भी गलत है। हुजूर ने फरमाया कि अंबिया पर तो हरदम अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती रहती है, उनके ईमान पर क्या ताज्जुब। फिर उन्होंने कहा कि हमारा यानी हम सहाबा का ईमान सबसे ज्यादा काबिल रश्क है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान बनफ्से नफसी मौजूद हूँ, तुम्हारे दरमियान कुरान नाजिल होता है तुम्हारी नजरों के सामने, तुम्हारे ईमान पर क्या ताज्जुब। तो उस वक्त उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल आप ही बता दीजिए कि किसका ईमान काबिल रश्क है। अब आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर सबसे पहले ही यही जवाब दे देते तो उनके दिल के अंदर शौक पैदा नहीं होता, तलब पैदा नहीं होता। आज सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो चीज बिना तलब और बिना शौक के हासिल होती है वो पायदार नहीं होती, और जो चीज तलब के साथ, मेहनत के साथ, सब्र के साथ और शौक के साथ हासिल होता है उसकी कदर होती है इंसान। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तरीका अपनाया, सब के सब सही जवाब लेने के लिए जब मुंतजिर थे और उनके अंदर एक तलब और शौक पैदा हो रहा था कि आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने सही जवाब दिया और फरमाया कि सबसे ज्यादा काबिल रश्क ईमान
उन लोगों का है जो मेरे और तुम्हारे बाद आएंगे, उनके हाथों में कुरान होगा और कुरान को पढ़ेंगे और उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर ला करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ना उन्होंने नबी को देखा होगा, ना नबी के देखने वाले सहाबा को देखा, उनका ईमान सबसे ज्यादा। तो तालीम और तरबियत का वो तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलबा और अपने अपने सहाबा के लिए अपनाया, सबसे ज्यादा मुफीद और सबसे ज्यादा बाबरकत वो तरीका होता है जिसको हम तमाम असातिज़ा को अपनाना चाहिए। और उसमें सबसे अहम चीज है कि हम अपने तलबा को जब किसी चीज की तालीम दें तो अमली तालीम होनी चाहिए। ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका था कि हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ हुक्म और ऑर्डर नहीं देते थे, जो भी चीज अपने तलबा को सिखानी होती सबसे पहले हुजूर खुद अपनी जिंदगी के अंदर ला करके एक अमली नमूना बनते। आज हम अगर अपने बच्चों को सदाकत की तालीम देते हैं कि बच्चों हमेशा सच बोलो, कभी झूठ का सहारा ना लो, तो एक तरीका यह है कि बस हम उनको नसीहतें कर दें, और एक तरीका यह है कि सबसे पहले हम अपने आप को सदाकत का आदि बनाएं, हम किसी भी बात पर झूठ का सहारा ना लें, किसी बयानी ना करें। यह तरीका सबसे ज्यादा मुफीद होता है। अगर कोई चीज हमारी अमली जिंदगी के अंदर नहीं है तो हम तकरीरों पर तकरीरें करते रहे, सामने वाले पर कुछ असर नहीं होता। हम खुद नमाज की पाबंदी ना करें और हम ये समझाएं अपने तलबा को और अपने बच्चों को कि नमाज का खूब एहतमाम करना, उनकी जिंदगी में नमाज का एहतमाम नहीं आएगा। जब वो खुद हमें सोता हुआ देखेंगे फजर की नमाज के अंदर, वो कहां से वो उठ करके फजर की नमाज को जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का सबसे अहम तरीका यह था कि हुजूर किसी भी चीज को समझाने के लिए सबसे पहले उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर ला करके एक नमूना पेश करें। रिवायत के अंदर आता है, सिर्फ एक रिवायत में सुना करके बात खत्म करता हूं। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, देखा कि किबले की जानिब जो दीवार है उस दीवार पर किसी ने थूका हुआ है, गंदगी लगी हुई। अब एक तरीका तो यह था कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी को हुक्म देते, ऑर्डर देते कि उसको देखो गंदगी वहां लगी हुई, उसको साफ कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़े, आपके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी के जरिए से दीवार को रगड़ रगड़ करके उस गंदगी को साफ किया और फिर इस एक नौजवान को भेजा कि जाओ हम अबीर लेकर आओ, जो खुशबू है। वो भागे भागे गए और उनके घर में खलूक नाम की खुशबू थी, वो लेकर पे आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लकड़ी के सिरे पर उसको लगाया और उस मकाम पर जहां गंदगी लगी हुई थी वहां उस खुशबू को मल दिया, एक अमली नमूना दिखा दी। उसके बाद सहाबा को मुखातब करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम में से किसी कोई ये बात पसंद करता है कि कयामत के दिन अल्लाह उससे अपनी रहमत की नजर फेर ले। तीन मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया, सहाबा हैरान रह गए। चौथी मरतबा उन्होंने हिम्मत करके कहा अल्लाह के रसूल हम में से कोई इस बात को पसंद नहीं करता कि अल्लाह हमसे नजरें फेर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो जब नमाज की हालत में तुम्हें थूकने की जरूरत पड़ जाए तो तुम दाएं बाएं और सामने मस्जिदों के दरों दीवार पर न थूका करो। तुम्हारे पास जो रुमाल होता है, जो जायद कपड़े होते हैं, उस कपड़े को निकालो और उसको नमाज ही की हालत में उसमें तुम थूको और फिर उसको तय करके अपनी जेब के अंदर रख लो। रिवायत के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से रुमाल निकाल करके और फिर उसको तय करके अपनी जेब के अंदर रख करके बतलाया कि इस तरीके पर अगर नमाज की हालत में तुम्हें थूकने की जरूरत पड़ जाए तो ये तरीका, मस्जिद को गंदा रखो। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें, अगर किसी आदमी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज की पूछा कि नमाज का क्या तरीका है, नमाज के औकात क्या है, वजू का तरीका क्या है, तो हुजूर उसके सामने बयान करना नहीं शुरू कर देते थे कि इतने फराइज हैं वजू के अंदर और इतनी सुन्नतें हैं और इतने मुस्तहबात हैं। हुजूर पानी मंगाते थे और पानी मंगा करके उसके सामने वजू करके बताते थे ये है वजू का। एक सहाबी के बारे में आता है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज के औकात के बारे में सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनको बतला देते कि फजर की नमाज का वक्त सुबह सादी से शुरू होता है, तुलुए आफ्ताब से पहले खत्म होता है, सवाल से शुरू होता है, जोहर और मिसलैंड पर खत्म होता है। लेकिन हुजूर ने यह तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उस सहाबी रसूल से फरमाया कि तुम दो दिन मेरे पास रहो और मेरे साथ पांचों वक्त की नमाजें जमात के साथ पढ़ो।
दो दिन वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास क़याम किए और उन्होंने पांचों नमाजें हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। पहले दिन हुजूर ने अव्वले वक्त में पांचों नमाजें पढ़ाई, दूसरे दिन आखिरी वक्त में पांचों नमाजें पढ़ाई, और जब जब 10 नमाजें मुकम्मल हो गई दो दिन की, हुजूर ने फरमाया कि वो साहब कहाँ हैं जो नमाज के औकात के बारे में जिन्होंने सवाल किया था। वो खड़े हो गए, हुजूर ने फरमाया कि ये जो दो दिन की नमाज है इसी के बीच में तुम्हारी नमाजों के औकात है। रिवायात के अंदर आता है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, एक बच्चे को देखा कि वो बकरी ज़बह करने के लिए जा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से छुरी ली और उस बकरी को ज़बह किया सुन्नत तरीके पर, और फिर उस बच्चे से फरमाया कि देखो जानवर के ज़बह करने का ये तरीका। फिर उसकी छुरी उसके हाथ में थमा दी और नमाज के लिए तशरीफ। तो अमली तालीम, जिस चीज की हम अपने बच्चों को और अपने तलबा को तालीम देना चाहते हैं, उनको अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार और सदाकत और अमानत की हम तालीम देते हैं, सबसे पहले हम उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर ला करके नमूना पेश करें। यह चीज सबसे ज्यादा मुफीद और सबसे ज्यादा बाअसर साबित होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हमें भी और आप भी, आपको भी और हमारी कौम के बच्चों बच्चों को भी दीनी और असली उलूम से अल्लाह तबारक व तआला आरास्ता और बेरास्ता फरमाए। आमीन। आखिर दावा है।